इस प्लांट को लगाए हुए आज 2 माह हो गया और 2 माह में देखिए ये मेरे फल आ गए हैं और ये इसमें भी फल आ रहे हैं और कुछ दिनों में यहाँ से भी फल निकलेगा। तो देखिए मैंने इस प्लांट को लगाने के समय में कौन से सॉइल मीडिया में लगाया, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र दिया और इतनी जल्दी फल आने का क्या रीज़न है, और फल अब आ गए हैं तो ये झरे नहीं और ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, तो अब इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, आप देखें नाहिद रजवी गार्डन, ये मेरा अंजीर का प्लांट है। जब भी आप अंजीर के प्लांट को लें तो एक बीज से उगाया हुआ प्लांट नहीं लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत दिन फल आने में बहुत समय लगा देगा। जब भी आप लें, ये देखिए ग्राफ्टेड है, यहाँ से कलम काटा है दोस्तों, ग्राफ्टेड किया है, यहाँ पर ग्राफ्टेड पर्सन है, ये ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट है। जब भी आप प्लांट को करेंगे लेंगे तो ग्राफ्टेड प्लांट ही लीजिएगा। ये पुणे वैरायटी का प्लांट है दोस्तों और ये गर्म इलाके का प्लांट है, रेगिस्तानी प्लांट भी बोल सकते हैं, जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ पर ये अच्छे फल देते हैं। और हमारे इलाके में तो गर्म अधिक पड़ता ही है, मैं बिहार से हूँ, इधर गर्म बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ मेरा अच्छा फल दे देगा इसमें। जब भी आप इस प्लांट को लगाना है तो पॉट जो सिलेक्शन कीजिएगा दोस्तों, ये देखिए मैं बड़ा पॉट में लगा रहा हूँ, जब फिर बड़ा हो जाएगा तो इससे बड़ा पॉट में सेलेक्ट करूँगा, छोटे पॉट में नहीं लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लांट बहुत बड़ा होता है, हालांकि ये ग्राफ्टेड है, ज़्यादा उतना भी बड़ा नहीं होगा, कम ही इसमें पॉट में भी ये फल मुझे दे देगा। लेकिन जब भी आपको लेना है, ये मेरा 15 इंच का पॉट है, आप कम से कम, अभी प्लांट छोटा है तो 15 इंच का पॉट लेता हूँ, जब बड़ा होगा तो 24 से 25 इंच के पॉट में इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। सॉइललेस मीडिया में लगाऊंगा, ये मैं राइस हस्क में लगाऊंगा, इसमें मैं मिट्टी का यूज़ नहीं करूंगा दोस्तों। जैसे मैं सभी प्लांट गुलाब वगैरह जो भी लगाता हूं मैं मिट्टी का यूज़ नहीं करता हूं, उसी तरह इस प्लांट में भी मिट्टी का मैं यूज़ नहीं करूंगा। अगर जब मिट्टी के पॉट में लगाएंगे तो आप 50% मिट्टी ले सकते हैं और 30% वर्मी कम्पोस्ट और 20% सैंड लेकर के आप लगा सकते हैं। मेरी मिट्टी पहले से बना हुआ रहता है दोस्तों, राइस हस्क और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके मैं हमेशा पहले बना के रख देता हूँ, उसमें थोड़ा नीम खली और बोन मिल मिला दिया हूँ और किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करेंगे, बाद में जब तब बाद में मैं फर्टिलाइज़र इसमें यूज करूँगा। ये देखिए मैं छत के नीचे लगा रहा हूँ, यहाँ मुझे फुल सनलाइट मिलेगा और आप भी जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो उस जगह आप इस प्लांट को लगाइएगा, जहाँ 1 से 2 घंटे की धूप आती हो वहाँ पर नहीं रखिएगा या छाँव में नहीं रखिएगा, जहाँ फुल सनलाइट हो और सही तरीके से हवा मिले उस जगह आप लगाइएगा। ज़मीन में लगाइएगा तो और भी बेस्ट है, लेकिन ग्राफ्टेड या अगर जब पॉट में भी लगाना चाहते हैं तो ग्राफ्टेड है, आप पॉट में लगा सकते हैं। पहले मैं इस पॉट में मिट्टी भर लेता हूँ। जब भी आप इसको अलग कीजिएगा दोस्तों तो ये मिट्टी को अलग नहीं करना है, जो नर्सरी वाले मिट्टी लगाए हुए हैं मैं उस मिट्टी को रहने दूंगा। ये देखिए यहाँ से जड़ निकले हुए हैं और इसके मिट्टी को, जड़ को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं इसी तरह लगा दूंगा। जब भी आप पौधे को रखिएगा, ये देखिए जहाँ ग्राफ्टेड पर्सन है यहाँ से ऊपर मिट्टी नहीं आना चाहिए, यहाँ से मिट्टी अगर जो ऊपर आएगा तो इसको यहाँ से ख़राब कर देगा। मिट्टी जब भी मिट्टी डालिएगा तो यहाँ से नीचे ही रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ से मिट्टी भर लिया, इसको ग्राफ्टेड पर्सन को ऊपर रखा हूँ, अब इसमें पानी दे देंगे दोस्तों। आपको इतना पूरे पॉट पानी इतना देना है जो नीचे से बह जाए, और मिट्टी अगर आपका वेल ड्रेन होगा तो नीचे से आसानी से बह जाएगा। इसमें मिट्टी को नमी बनाए रहे वो अच्छा है, लेकिन गीली नहीं होनी चाहिए मिट्टी। मिट्टी का अगर आप यूज़ करते हैं तो पानी जब तक 1 इंच ऊपर से सूख ना जाए तब तक आपको दोबारा पानी इसमें नहीं डालना है। अभी पानी दिया दोस्तों और बहुत ही जल्दी ये सोख लिया, क्योंकि इसमें सिर्फ राइस हस्क है, मैं मिट्टी नहीं दिया हूँ, इसीलिए बहुत ही जल्दी ये पानी को नीचे से पानी बहने लगा है इसका। देखिए ऊपर से मैं पानी दिया, नीचे से ये बहने लगा, स्टार्ट कर दिया है। आपको ऐसी ही मिट्टी का यूज करना है। आपके प्लांट में जब भी फ्रूट आ जाए इस तरह का तब इसमें आपको खाद देना ज़रूरी है, और वैसे भी किसी भी फल वाले पौधे में 1 से 2 माह के अंतराल में आपको खाद देते रहना है। और इसमें ज़्यादातर आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, कोई भी फल वाले पौधे के लिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा बेस्ट होता है। आज मैं अभी ये फल, ताकि अब ये ग्रोथ करे और ये मेरा फल गिरे नहीं, इसके लिए मैंने जो फर्टिलाइज़र चुना है उसके लिए देखिए ये गोबर की खाद है, चाहे तो आप वो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और ये एप्सन सॉल्ट के थोड़े से दाने ले लिए हैं, कुछ दाने मैंने सीवीड के ले लिए हैं, यह ऑर्गेनिक है। थोड़ा सा बोन मिल मैंने ले लिया है
और ये पोटास है ऑर्गेनिक, ये भी पोटास है। और कुछ केमिकल के मैंने डीएपी के दाने लिए हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है वो 1 से 2 माह बाद ही काम करना स्टार्ट करता है, बहुत स्लो काम करता है। जैसे ही आप दीजिएगा वैसे ही काम करना स्टार्ट नहीं करेगा ऑर्गेनिक में, लेकिन केमिकल जो भी होता है वो जैसे ही देते हैं 2-4 दिन में आपका काम करना स्टार्ट कर देता है। और अभी मेरा ये फल आ गया है, अभी तुरंत मुझे इसमें काम चाहिए। अगर मैं फर्टिलाइज़र इसमें नहीं दूँगा तो ये मेरे फल गिरने का खतरा है, इसीलिए आप भी जब भी फल आ जाए तो इस तरह का फर्टिलाइज़र मिक्स कर करके तब देना है प्लांट को। पहले मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरीके से सभी को। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, अब इसके चारों तरफ ऐसी प्लांट का चारों तरफ इसको दे देना है। किसी भी फ्रूट वाले प्लांट में आपको 1 से 2 माह के अंतराल में ही देना है, बार 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 आपको खाद नहीं देना है। इस तरह करके दे देंगे, देने के बाद इसको अच्छी तरीके से गुराई कर दीजिएगा। ये देखिए चूने का पानी है दोस्तों, इसमें मैंने चूना दिया, चूने में कैल्शियम वगैरह होता है। और किसी भी फल वाले पौधे में चूने का पानी देना चाहिए। देखिए इसमें मैंने चूने का पानी 1 मग दे दिया। इसी तरह करके आप सॉइल मीडिया और इसी तरह करके अगर जी केयर कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी ये फल दे देता है। दोस्तों मेरा 2 ही माह में फल दे दिया, यानी 1 साल का ये प्लांट है और मुझे फल दे दिया। आप भी इस तरह करके गार्डनिंग में अंजीर का प्लांट लगा सकते हैं। आपका भी अगर गर्म इलाका है तो गर्म इलाके में बहुत ही जल्दी ये फल दे देता है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। और पेस्टिसाइड अगर जी या इंसेक्ट किसी तरह का पत्ते वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे 15 दिन में या महीने में 1 बार ज़रूर कर दीजिएगा, वही सफिशियंट है। जब भी आपका पत्ता इस तरह करके किसी तरह का ख़राब वगैरह होने लगेगा तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा। थैंक यू।